अल्हम्दुलिल्लाह हमने सात साले वसरे सेवन पीक को समेट किया। इस वक्त हम पीक पर खड़ा है। ये इसका बैकग्राउंड है। सामने सरबांडा पनालशाही और सामने कंगर पीक, इसी साइड पर ये है टिकई पीक, मनकियाल पीक, बेथरून और सामने ये वाला बागसर बांडा। इसका मेन पीक ये है और इसको भी समेट करेंगे इंशाल्लाह। बारिश का ख़तरा भी है। पनालचे के साइड से बारिश आ रहा है। इसके अलावा सवात और दिर का जो बाउंड्री है, पहाड़ों का सिलसिला है, वो तमाम यहाँ से नज़र आता है। और सवात का जो रिवर है कालाम से लेकर नीचे, ये तमाम मनाजिर यहाँ से नज़र आता है। ये आप लोग देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो मेन पीक है उसको हमने समेट किया। आप लोग देख सकते हैं बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी हुआ और सामने पलानछे पर भी बर्फ़ हुआ। ये जो पीक है ये सतह समंदर से 12,313 फुट की ऊंचाई पर है। इसका बैकग्राउंड है। इसके अलावा बशीग्राम लेक भी यहाँ से नज़र आता है। इसके अलावा और तख्ती बारम खान जो पास है, जो बशीग्राम से जाता है तख्ती बारम खान, वो पास भी यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आता है। बारेन का जो अंदर का एरिया है, बारह हज़ार 369 इसका हाइट है। अभी इस सिलसिले में एक और भी बाकी है, ये भी है, तो इंशाल्लाह ये भी करेंगे। इस वक्त जिस पीक पर हम खड़े हैं, ये तमाम सिलसिलों में सबसे हाईएस्ट ये है। ये सतह समंदर से 12,382 फुट की बुलंदी पर है। ये सात सले का तमाम सिलसिला है। पीक नंबर 1, 2, 3 इसका हाइट इतना नहीं है, ये काफ़ी नीचे है। इसके अलावा 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 इसका हाईएस्ट पीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस 4 को हमने चलने की और अब वापस ले जाएंगे। का जो रूट था वो मदियन से आगे चेल से एक ब्रिज अलग होता है और ये सामने सीमांटी रोड है, ये आता है डबरगई से आगे। यह सफरू तक बिल्कुल पुख्ता रोड है। वहाँ से नदी के किनारे इसी साइड पर हम आए यहाँ तक और इसके टॉप पर हम आए पहले पीक पर वसरे सात सले और फिर इसी सिलसिले पर हम आए और यहाँ तक आए और यहाँ से अब जाएंगे और इसी रोड पर सीधा नीचे, वहाँ से फिर हम नदी तक जाएंगे इंशाल्लाह। शिंगरई बांडा में ये एक कब्रिस्तान है जिसको मज़ार बनाया हुआ है और
और लोकल लोग इसको मासूम शहीद के नाम से पुकारते हैं।